माई लागे जनकपुर को सबके आंगन तुलसी पूजा। जनकपुर धामक रहनिहार साधु संत महात्मा के मठ मंदिर में तुलसी जी के पौधा अवश्य देखवा में अभी है। जनकपुर धाम वासी साधु संत महात्मा छथिन ते हुनकर आंगन में तुलसी जी के पौधा रहनाई एकटा ताई बात पर कोनो हमरा लोकन के शंका नहीं करबाक चाहिए। जहाँ विष्णु साधु लोग रहते हैं वहाँ तुलसी जी का पौधा रहता ही है। तो सबके आंगन तुलसी पूजा। और भोजन में क्या है, भोजन चुरा दही को। यहाँ हमारे रामप्रिया दास जी चुरा दही वर्णन किए हैं, भोजन चुरा दही को। ये वर्तमान कालीन परिवेश अवस्था देख के रामप्रिया दास जी इस सुंदर सा भजन के निर्माण किए हैं, वो गाए हैं। क्योंकि दही चूरा का भोजन होता है एक, जिसमें दही चूरा का भोजन में दही ज़्यादा होता है और चूरा थोड़ा कम। हाँ, क्योंकि पहले की समय में थोड़ा शुद्ध दूध हुआ करते हैं और सस्ता की जमाना रहा करता था, तो प्रायः शुद्ध दही होता था और सस्ते के जमाना के कारण दही हम लोग ज़्यादा परोसते थे। आजकल तो भैया मिलावट की जमाना है, करीब करीब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें मिलावट न हो। पहले दूध में पानी डालते थे हम लोग, पहले दूध की मात्रा अधिकतर होता था उसमें पानी थोड़ा देते थे। आजकल हम लोग लोभी इतना हो गए, पाखंडी लालची इतना हो गए जो अब पानी में थोड़ा दूध डालते हैं और बेचते हैं, क्योंकि आजकल मिलावट की दुनिया है भैया। तो अब सस्ता जमाना रहा नहीं, जमाना हो गई महंगा और दूध शुद्ध मिलता नहीं, तो इसीलिए थोड़ा चूरा ज़्यादा देते हैं और दही कम। जहाँ चूरा ज़्यादा हो वहाँ दही कम, उस भोज को हम चूरा दही भोज बोलते हैं, और जहाँ दही ज़्यादा और चूरा कम तो उसको दही चूरा भोजन बोलते हैं। लेकिन यहाँ रामप्रिया दास जी क्या बोले हैं, माई मोहे लागे जनकपुर को सबके आंगन तुलसी पूजा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, आदि आदि मंत्रों से हम लोग तुलसी महारानी को आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। तुलसी जी को पूजा और पूजन, सेवन और सेवा दोनों फलदायी मंगलदायी माने जाते हैं। हम लोग यदि स्वास्थ्यों के कारण, यदि स्वास्थ्य हम लोगों के प्रतिकूल है और हम लोग स्नान नहीं कर पाए, तो ऐसा शास्त्रों में विधान है कि तुलसी जी के वहाँ के मिट्टी यदि तिलक कर लें तो स्नान करने की पुण्य प्राप्त हो जाती है और हमारा शरीर शुद्ध माना जाता है। सबके आंगन तुलसी पूजा, भोजन चुरा दही को। अब तो दूध शुद्ध नहीं मिलता है क्योंकि पहले के जमाना में दूध में पानी नहीं डालते थे हम लोग। पानी डालने लगे तो ज़्यादातर दूध में थोड़ा पानी डालते थे। आजकल पानी ज़्यादा उसमें थोड़ा दूध रख देते हैं। और ये जमाना के कारण यह रामप्रिया दास जी महाराज कहते हैं, भोजन चुरा दही को। और
मिथिला में दही चूरा के भोजन को पवित्र शुद्ध सात्विक माना जाता है। कहीं यात्रा में निकलते हैं तो दही चूरा के भोजन करके जब हम लोग जाते हैं तो यात्रा फलदायी मानी जाती है। ऐसी हमारे सनातनी चिंतन और परंपरा है। भोजन चूरा दही को, तो मेरे दर्शक महानुभाव, दही चूरा के भोज और चूरा दही के भोज में फर्क है। हाँ, जहाँ दही ज़्यादा हो और चूरा कम हो उस भोज को दही चूरा का भोज मानते हैं, और जहाँ दही कम हो चूरा ज़्यादा हो उस भोज को चूरा दही के भोज मानते हैं। जनक लली की जन्म भूमि है जनकपुर धाम, मिथिला तेर भुक्ति च वेदहीनि काननम, जानकी जन्मभूमि, जानकी जन्मभूमि च ए जनकपुर धाम, जानकी जी की प्राकट भूमि है। जनक लली की जन्म भूमि है, मिथिला तिलक मही को मई मोहे लागे जनक पुरनी को। क्या राम प्रिया दास जी महाराज के भाव है, उच्च भाव है, शुद्ध भाव है। ए जनकपुर धाम, जानकी जी के प्राकट भूमि है, जन्मभूमि है, इसी कारण हमको अच्छा लगता है। और ए तीर्थों की तिलक है, ए मिथिला की तिलक है। श्री जानकी मंगल में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, देश सुहावन मंगल रे मंगल मंगल रे मंगल, देश सुहावन पावन वेद बखानिया। जहाँ वेद वर्णन करते हैं कि एक सुहावन देश है, देश सुहावन और पवित्र भी है, देश सुहावन पावन वेद बखानिया। कैसी है भैया भूमि तिलक तिरहुत त्रिभुवन जानिया। कैसी है मिथिला भूमि, कैसी है जनकपुर धाम, तो तुलसी बाबा श्री जानकी मंगल में वर्णन करते हैं कि ऐसी देश है एक सुहावना देश, देश सुहावन पावन वेद बखानिया, भूमि तिलक सम तिरहुती त्रिभुवन जानिया। त्रिभुवन में तीनों लोकों में सारे संसार से अच्छा है मेरा मिथिला धाम, सारे जहां से अच्छा है श्री सीताराम नाम, और सारे जहां से अच्छा है हमारा मिथिला धाम। क्यों हमारे मिथिला धाम अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ के श्री किशोरी जी बच्चे हैं, इसीलिए मिथिला धाम अच्छे हैं। और भैया ये मेरे दर्शक भैया, बहुतों लोगों को अच्छाई जस्ती नहीं, अच्छा बात पचती नहीं, इसीलिए मैं तो गाऊंगा गला फार फार के, मैं तो गाऊंगा। और जैसे वेदों में वर्णन है, इतना सुंदर मिथिला धाम बनाऊंगा, जैसा वर्णन है भैया वेदों में, उतना गरिमा में मिथिला धाम को बनाऊंगा। अरे गाली करो तुम, अरे बेइज्जत करो तुम,
अरे हमको मारने के भी प्रयास करो तुम, ए भैया समझना क्योंकि मैं भी जानकी के संतान हूँ। इस मिथिला धाम को गरिमा को बचा के रखूंगा, और ए अहंकारियों ए पाखंडियों ए विधर्मियों ए देशद्रोहियों ए भ्रष्टाचारियों, तेरा दिया हुआ अपमान को रो रो के पचाऊंगा। लेकिन मैं गीत मिथिला को गाऊंगा, तेरा गीत नहीं गाऊंगा रे गुरमुहा, तेरा गीत नहीं गाऊंगा। तुम गोली मारो यो देश निकाला कर दो, तेरा बाप का ताकत नहीं को मेरा स्वाभिमानी राष्ट्र भक्त को देश निकाला कर दोगे, कहीं ऐसा न हो कि तुमको ही हम लोग देश निकाला न कर दूं। इसलिए भैया तू भी न निकलू मैं भी न निकलू, तू अपना बाने सुधार मैं अपना वचन को गाता रहूंगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा मेरा है मिथिला। सारे जहां से मंगल है श्री सीताराम, नाम जपत मंगल दिशी दस हूँ। दसों दिशा है, चार दिशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों कोण में वायव्य कोण अग्नि कोण नैऋत्य कोण ऐसी चार कोण, तो चार चार आठ, एक आकाश एक पाताल। श्री राम नाम के जाप से श्री सीता राम नाम के महिमा से दसो दिशाएं मंगल होती है, सारे जहां से अच्छा है मेरा मिथिला धाम। और भैया मैं नहीं कहता हूँ, ये तुलसी बाबा के श्री जानकी मंगल में है, आप लोग कीन के थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और न पैसा किनने को हो तो भोगेंदर से मांग लीजिएगा, भोगेंदर मुक्त में ए श्री जानकी मंगल पोथी भी देंगे, और थोड़ा दूधमती गंगा जल का सेवन भी करा देंगे। तू अपमान करो तू गाली करो तू बेज्जत करो, लेकिन मैं तो मिथिला का गुणगान तो करूंगा। आज हम लोगों की स्थिति यही है, धर्म इसीलिए नहीं करते क्योंकि इसमें ईमानदार होना पड़ता है, इसमें त्याग वृत्ति करना पड़ता है, और भैया हम लोगों की त्याग वृत्ति मुंह में है व्यवहार में नहीं, नहीं रे नहीं नहीं। व्यवहार तो आपका व्यवहार जाने और वो भगवान जाने। आजकल पद और प्रतिष्ठा के कारण हम लोग तमाम मर्यादाएं को भता भंग कर देते हैं, एक गति दुर्गति हम सब लोग करते हैं, उससे अछूत कोई नहीं है। खैर जो हो, सारे जहां से अच्छा है मेरा मिथिला धाम, यदि इसको गाने में भैया न लगाओ लगाम। आजकल लगाम लगाते हैं, सारे जहां से अच्छा है मेरा मिथिला धाम, भैया मैं गाता हूं तो आपके सुनने के अच्छा न हो तो आप ना सुने आप ना देखे, मुदा भैया भोगेंदर के होठो फे अरे मत लगाओ लगाम। अब तुम लगाम लगा दोगे तो मैं लगाम को तोड़ के अरे सारे जहां से अच्छा अरे हे मेरा मिथिला धाम। तो
देश सुहावन पावन वेद बखानिया। तुलसी बाबा को किसी ने पूछ दिए, बाबा मिथिला वासी घुस दिए हैं क्या? अरे बोले भैया साधु साधु मैं साधु हूँ, वेद जो कहे ओ मैं कहता हूँ। अरे देश सुहावन पावन मैं कहाँ से लिया? अरे बे दो बखानिया। और कैसी है भैया? तो भूमि तिलक संग तिरुहुति त्रिभुवन जानिया। तो यहाँ प्रेम प्रियाश्रम दास जी महाराज क्या गाते हैं, जनक लली की जन्म भूमि है मिथिला तिलक मही को। ऐसी पावन मिथिला चरण रज को, जनकपुर धाम के चरण रज को हम लोग भाव तिलक लगाए, और गीत तो भैया मिथिला के ही गाए। दर्शन करी करी राम प्रिया दास जी महाराज क्या कहते हैं अंत में, दर्शन करी करी शरण कृतार्थ। मैं जब ये गीत गाता हूं तो लगता है कि धन में हर चीज में हमसे ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि हम लोग मिथिलावासी है। ऐसी राम नाम धन है भैया, सानी चोना का ए द्रव्य धन नहीं है, राम नाम सेवा का धन है, भाव का धन है। हम मिथिलावासी सबसे ज्यादा धनिक है हम लोग। दर्शन करी करी शरण कृतार्थ, अरे क्यों बहिनी श्री जनक लली को, क्योंकि हम जनकपुर धाम वासी को बहिन है श्री सीता जी जानकी जी लाडली जू। इसीलिए भैया मोह लागे जनक पुरनी को, मोह लागे जनक पुरनी को। जनकपुर धाम के इस भाव गरिमा को गाते गाते प्रस्थान करता हूँ। आप लोग नित्य दिन भक्ति सागर देख देते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राविधिक मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।